उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव से पूर्व उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप देने का वादा किया गया था। अपने उसी चुनावी वादे को निभाते हुए योगी सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के ITI कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे गए। गुरुवार को मथुरा के किसान भवन में आयोजित कार्यक्रम में गोवर्धन के विधायक मेघ श्याम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे, ADM गोवर्धन संदीप वर्मा, जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त रामेंद्र कुमार भी खास तौर से मौजूद रहे। विधायक मेघ श्याम सिंह ने कहा कि सरकार ने जो कहा है वह करके दिखाया है। आज हमारे मेरी विधानसभा के चार कॉलेजों को 570 टैबलेट वितरण किए जा रहे हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर छात्र तक ये टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, जो सेलफोन है, घोषणा भी की थी, पहुँचे। ये पुरानी योजना है। मैं आशा करता हूँ सभी छात्र छात्राओं से इनका सदुपयोग करें और डिजिटल इंडिया में, मोदी जी के डिजिटल इंडिया में सहयोग करें। मैं और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। करीब एक घंटे तक चले इस कार्यक्रम में टैबलेट पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। टैबलेट मिलने के बाद छात्र छात्राओं ने मोदी योगी को धन्यवाद दिया। मैं लॉन्गसरी ITI से इलेक्ट्रिसिटी से कर रही हूँ और मैं अलीगढ़ में रहती हूँ और मुझे आज टैबलेट मिली है हम लोगों को। और अब ये आपके पढ़ाई में कितना कारगर साबित होगा, क्या काम आएगा? बहुत काम आएगा। जैसे कि पिछली बार जो हमारी ऑनलाइन जो क्लासेस चली थी वो हमारी मिस हो रही थी, अब नहीं होंगी अगर दोबारा कभी लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ी तो। पढ़ाई में काम आएगा। हाँ, एक पढ़ाई में काम आएगा। मैं मथुरा से लॉन्गसरी ITI से मैकेनिकल स्टेट से ITI कर रही हूँ। आज मुझे लैपटॉप मिला है और टैबलेट मिली है, सॉरी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मोगी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।